वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड्स, मतलब कि कौन से इक्विपमेंट्स हमारे स्टेशन यार्ड्स में यूज होते हैं। तो वो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड, देखो द इक्विपमेंट इन स्टेशन यार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो कुछ पर्पसेस के लिए यूज होते हैं ये, कैसे, जैसे कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स, गुड्स सर्विस के लिए, या फिर लोकोमोटिव्स के लिए, या फिर सेफ्टी और ट्रैफिक मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इन ये जो हम इक्विपमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इनमें कैटेगराइज करे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली कोई चीज है नहीं। तो हम सीधा नेक्स्ट मेन चीज से हम शुरू करते हैं। तो देखो क्रेन्स, ऑन लार्ज स्टेशंस क्रेन्स आर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी आर्टिकल्स टू फॉर्म या फिर टू या फिर फ्रॉम वेगन्स। द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ क्रेन्स आर जनरली यूज, तो मतलब चार तरह की क्रेन्स यूज होती है। और सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट क्या है, क्रेन्स। देखो चार तरह की कौन सी, देखो सबसे पहले फिक्स जिप क्रेन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रेन यूज। दिस टाइप ऑफ क्रेन इज फिक्स्ड एट सम कन्वीनियंट पॉइंट ऑन गुड्स प्लेटफॉर्म। तो ये ना फिक्स्ड होती है, ये एक तरह फिक्स्ड होती है, जैसे कि आप डायग्राम में दे सकते हैं फिक्स्ड है वॉल पे, तो उनको हम कहते हैं फिक्स जिप क्रेन। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल क्रेन, दिस इज द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ क्रेन विच इज माउंटेड ऑन अ व्हीकल एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द यार्ड। तो ये इस तरह की क्रेन होती है कि मतलब ये मोबाइल होते हैं, कहीं भी यूज हो सकती है, कहीं भी जा सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी गोलियत क्रेन, ये देखो दिस इज द सिमिलर टू गेंट्री क्रेन, ये हम पढ़ेंगे अभी, विद द वेरिएशन दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एंड अ बीम, द लिफ्टिंग टैकल बीइंग ऑन द बीम, इन दिस टाइप द फ्रेम ट्रेवल्स ऑन अ ट्रैक ऑन द ग्राउंड। ये आप एक बार सिर्फ पढ़ के रखो, देखो गेंट्री क्रेन जब हम पढ़ेंगे ना उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा ये। तो देखो अब आता है हमारा गेंट्री क्रेन, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, शायद 30-35 मिनट्स की बन जाए, लेकिन पूरी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड, तो देखते रहना आखिर तक। देखो आता है हमारा सबसे मेन गेंट्री क्रेन। गेंट्री क्रेन क्या है, देखो दिस कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल बीम्स सपोर्टेड ऑन वर्टिकल पोस्ट। तो दो बीम्स हमारे सपोर्ट होते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल पोस्ट पर। कैसे, देखो अगर आप देखोगे ऐसे, ठीक है, वर्टिकल पोस्ट पे हमारे दो बीम्स हो गए। होस्टिंग मशीनरी इज इंस्टॉल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म विच ट्रेवल्स ऑन द पैरेलल बीम्स। तो पैरेलल बीम्स पे मशीन होती है, देखो पैरेलल बीम्स पे ऐसे मशीन ट्रेवल कराती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट को, ये जो हमारे लगी हुई है मोटर वगैरह। वेगन्स और ट्रक्स आर ब्रॉट अंडर द गेंट्री फॉर लोडिंग और अनलोडिंग। दीज टाइप्स ऑफ क्रेन्स आर स्पेशली सूटेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग वेयर सफिशिएंट स्पेस फॉर सेपरेट साइडिंग फॉर शंटिंग ऑपरेशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ क्रेन इज नॉट अवेलेबल। जहां पे ज्यादा जगह नहीं होती है तो वहां पे ये चीजें यूज करी जाती है, ठीक है ना, और ये हैवी लोड उठाने के लिए होती है हमारी गेंट्री क्रेन। मोरओवर इट ऑफर्स अ वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसिडरेबल सेविंग इन शंटिंग टाइम एंड वेगन मूवमेंट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो ये तो एक थोड़ा सा ब्लू प्रिंट टाइप्स है, देखो इसमें आप देखोगे ना हमें शंटिंग वगैरह करने में इजी होता है, कहीं ट्रेन आगे से घुमा के ट्रैक पर दूसरे पे लाने से अच्छा ये यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे साइड पे रख देते हैं। तो ये इस पूरी मशीन को, एक इतनी बड़ी मशीन को हम कहते हैं गेंट्री क्रेन। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा वे ब्रिजेस। देखो 10-12 चीजें हैं ये, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखो वे ब्रिजेस क्या होता है, देखो अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो वो ये जहाँ पे हम अपने लोकोमोटिव को वे कर सकते हैं, ट्रैक पर ही होता है लेकिन साइड पर होता है, मेन ट्रैक पर नहीं होता है, साइडिंग पर होता है, ठीक है, ये सर्कल शेप में भी होता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है। देखो दीज आर प्रोवाइडिंग गुड्स यार्ड टू गेट द वेट ऑफ लोडेड वैगन, वो ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ट्रेन का आपको वेट देखने के लिए, मतलब वेगन मतलब की कोचेज वगैरह एक एक का देखने के लिए वेट। द वे ब्रिजेज आर लेवल प्लेटफॉर्म विद रेल्स विच आर कनेक्टेड विद द ट्रैक, वो ये ट्रैक के साइड है लेकिन ट्रैक पर नहीं है। द लेवल प्लेटफॉर्म आर सपोर्टेड ऑन बीम्स एंड इन टर्न बीम्स आर लोकेटेड इन अ पिट अंडर द ट्रैक। तो इस पिट के, इस ट्रैक के अंडर ही बीम्स लगे हुए हैं जो कि हमारे वेट बताता है। द लोडेड वेगन इज ब्रॉट ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड इट शोड दैट बीम रेस्ट ऑन नाइफ एजेस अटैच्ड टू लीवर्स। तो ये ऐसे नाइफ एजेस पे ना अच्छे से पूरा आ जाए उस पर, तो ये श्योर करना आपको। नाउ द मैकेनिज्म एक्चुएट्स एंड वेट इज इंडिकेटेड बाय पॉइंटर ऑन अ ग्रेजुएटेड डिस्क। तो डिस्क पर आपको एक अच्छे से दिखा देगा कि क्या वेट आ रहा है। दिस ग्रेजुएटेड डिस्क इज फिक्स्ड इन अ सेपरेट स्ट्रक्चर। द वे ब्रिजेस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन सेपरेट साइडिंग। देखो ये लिखा हुआ है ना, मैं बता रहा था आपको, शुड बी प्रोवाइडेड ऑन सेपरेट साइडिंग मेंट फॉर वेइंग ओनली एंड नॉट ऑन थ्रू लाइन्स। ठीक है ना, ऑन थ्रू लाइन्स मतलब मेन ट्रैक पर ही होनी चाहिए, साइड पर होनी चाहिए, अदरवाइज वे ब्रिजेस विल एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू थ्रो ट्रैफिक। तो ये कि ये नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ये बिहेव करेगा। तो वे ब्रिजेस तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अगर आपको चीजें नहीं समझ आए तो नहीं तो आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड कर लो, नहीं तो थोड़ी देर पॉज करके आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको हर एक का रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा देखो लोडिंग गेजेस। अब लोडिंग गेजेस क्या है, देखो These are used to ensure that bulky goods loaded in wagons do not project beyond specified dimensions. मतलब कि जो हम इसमें वेगन पे लोड डालते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक, उससे मतलब स्पेसिफिक जो डायमेंशन दी होती है उससे ज्यादा ना डाला हुआ। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द वेगन्स फॉलिंग एनी स्ट्रक्चर ऑन देयर जर्नी। तो ये है कि अगर जर्नी पे कोई कहीं पे ट्रैक इतना मजबूत नहीं है कि जो उतना ओवरवेट उठा पाए, ठीक है ना, तो वहां पे ये चीज ना हो, तो इसलिए हम लोडिंग गेज यूज करते हैं।
The structures which may be followed by vehicles in a journey compromise soffit of bridges, tunnels, signals, posts, etc. ये मैंने आपको बता दिया. A loading gauge consists of a profile made of the angle iron which is suspended from a frame on the. देखो ये देखो एक ना ऐसे बना होता है ठीक है, एक पोल से ऐसे दोनों तरफ लगाता है, कभी एक तरफ भी लगाता है, तो ना ऐसे एक आयरन से ऐसे बनी होती है. देखो ये ऐसे एक पूरा ये ऐसे बना हुआ है ठीक है ना. तो ये हमारा पूरा डायमेंशन बताता है कि इससे आप लोड ऊपर लेके जा नहीं सकते ठीक है ना. लिखा होगा यहाँ पे देखो, इन एनी पार्ट ऑफ द लोडेड वेगन टच द प्रोफाइल. तो इस प्रोफाइल को कोई भी वेट अगर टच करता है, दिस इंडिकेट्स ओवरलोडिंग एंड हैंस लोडिंग शुड बी रिड्यूस बिफोर वेगन प्रोसीड फॉर इट्स जर्नी. तो ये है कि अगर वो टच होता है तो उसको कम करना पड़ता है. ये थोड़ा सा जर्नी से थोड़ा पहले लगा होता है, मतलब स्टेशन पे आने से पहले थोड़ा सा लगा होता है ताकि हमें पता चल जाए. अगर ज्यादा वेट है मतलब ज्यादा लोडिंग हुई है फिर वो कम कर लो. दिस प्रोफाइल ऑफ एंगल आयरन विद द फ्रेम इज नोन एज लोडिंग गेज. तो ये आपको अच्छे समझ आ गया लोडिंग गेज क्या होता है. नेक्स्ट आता है हमारा देखो एंड लोडिंग रैम्स. ये बहुत ही इजी है. देखो दीज रैम्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रोड व्हीकल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स है ये, ट्रक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रक्स है ये, ट्रक्स, कार्स एक्सेट्रा इन टू द रेलवे वेगन्स ठीक है ना. तो मतलब कि वेगन्स में या तो लोड करने के लिए या फिर अनलोड करने के लिए यूज होता है ठीक है ना. वेगन्स में जैसे हम कहते हैं ना कि यार हमने ट्रेन से कार भेजनी है, कोई ये होता है दूर सारी भेजनी है, तो वो ऐसे भेजी जाती है. This ramp is merely a strip of platform at the end of a siding built to the height of the wagon floor and is gently sloped at road level. ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा. देखो ये ऐसे बना होता है, देखो ये ऐसे पूरा इसके लेवल तक आया था. वेगन अगर जब यहाँ पे ऐसे टच करेगा तो ऐसे ऊपर से उठ के जाएगी कार, तो वो वेगन के सीधा अंदर चले जाएगी. तो उस लेवल पे बनाया होता है. ये देखो अलग अलग लेवल्स का बनाया हुआ अलग अलग ट्रेन के लिए ठीक है ना. अब हमारा आता है देखो, सो अ बफर स्टॉप इज जनरली फिक्स इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ठीक है. बफर स्टॉप यहाँ पे चलो नहीं लगा हुआ, वैसे ये लगा हुआ है छोटे छोटे से, वैसे कहीं कहीं लगा होता है कहीं कहीं नहीं, तो बफर स्टॉप होता है. सो द गैप बिटवीन द वेगन फ्लोर एंड प्लेटफॉर्म इज ब्रिज बाय हिंज प्लेट्स. केयर शुड बी टेकन दैट द रैंप प्लेटफॉर्म इज कैप्ट लिटिल अवे फ्रॉम बफर स्टॉप, अदरवाइज द स्ट्राइकिंग ऑफ वेगन अगेंस्ट बफर स्टॉप इफ हैपेंस मे डैमेज द प्लेटफॉर्म. तो वही है कि अगर हमारे जो बफर स्टॉप लगे होते हैं, बफर स्टॉप हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, अगर वो लगे हुए तो वो भी शायद डैमेज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, तो थोड़ा ध्यान से आपको ये पार्क करनी चाहिए. द हाइट ऑफ एंड लोडिंग रैंप अबव द रेल लेवल इज 1.3 मीटर फॉर बीजी ब्रॉड गेज, 0.86 मीटर फॉर एमजी मीटर गेज. तो गेजेस पर अगर आपने वीडियो नहीं, कोई आपको नहीं पता गेजेस क्या होते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो ये था हमारा पूरा देखो एंड लोडिंग रैंप. तो ये आपको अच्छे समझ आएगा, बहुत ही ईजी है ठीक है ना. तो यहाँ से व्हीकल को आप ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, तो वैसे हमारी होता है. देखो अगर तो कोई बड़ी व्हीकल है जो हमारी इस ट्रैक पर नहीं आ सकती तो इधर जाती है, ऐसे ही क्रेन से उठा के यूजर रख देते हैं. तो ये था हमारा पूरा एंड लोडिंग रैंप. नेक्स्ट आता हमारे देखो इंजन शेड्स या फिर लोको शेड्स. ये बहुत ही ईजी है. देखो द पर्पज ऑफ इंजन शेड इज टू क्लीन रिपेयर एंड मेंटेन द लोकोमोटिव इन अ सर्विसेबल कंडीशन. तो मतलब इंजन शेड्स पे क्या होता है देखो, या फिर लोको शेड्स पर क्या होता है, हमारी ना ट्रेन को ना बस मेंटेन करा जाता है, कोई डैमेज हुआ तो वो ठीक होता है या फिर रेगुलर मेंटेनेंस. The size of sheds and installation of various facilities would depend upon the services required for the number of locomotives. तो ये कि साइज हमारा उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब पर्टिकुलर स्टेशन पे कितने हमारे लोकोमोटिव आते हैं, और उस पर डिपेंड करता है हमारा साइज. Following two types of sheds are generally provided. तो दो तरह के शेड प्रोवाइड करते हैं. कौन से, एक रेक्टेंगुलर टाइप होते हैं, एक सर्कुलर टाइप. ठीक है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में देखो आपको इससे में अगर आपको समझ आ रहा है इन डायग्राम्स में तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ पूरे. मतलब ये देखो रेक्टेंगुलर तो ऐसे हो गए, देखो ऐसे सिंपल ऐसे सीधे सीधे होते हैं, ऐसे शेड बना हुआ है, अनेक रेक्टेंगुलर शेड हो गए ना ऐसे. तो ये तो वैसे चलो ऐसी शेप बनाई हुई है, वैसे तो रेक्टेंगुलर ही हो गया ऐसे. तो वहां पे ऐसे ट्रेन ये लगा दिए, लोकोमोटिव लगा दिया ठीक है. और हमारा होता है एक सर्कुलर, देखो सर्कुलर ऐसे लगे होते हैं ठीक है, तो सर्कुलर ही ऐसे लगे होते हैं सारे शेड्स पे ठीक है. तो और जो आप सोचोगे कि ये ऐसे टर्न टेबल क्या है, टर्न टेबल भी हम पढ़ेंगे अभी आके, ये लिखा हो ना टर्न टेबल, इससे हम ट्रैक कनेक्ट करते हैं कौन से वाले में जाए लोकोमोटिव. तो ये हमारे हो गया इंजन शेड्स या फिर लोको शेड्स, ये आपको इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा. देखो अब आता हमारा ऐश पिट्स, ऐश पैन, एग्जामिनेशन पिट्स एंड ड्रॉप पिट्स. ये बहुत ही इजी है, देखो सारी चीजें इंटर रिलेटेड ही है. कैसे, देखो ऐश पिट्स क्या होते हैं, देखो आर रिक्वायर्ड टू रिसीव एशेज फ्रॉम लोकोमोटिव बॉयलर्स. तो देखो कुछ ना इस तरह होता है, देखो ऐश पिट्स ये होते हैं, ये चीजें जहाँ पे ना हम ये लोकोमोटिव के बॉयलर से ऐश पिट्स निकाल के, मतलब एशेज निकाल के नीचे फेंक देते हैं जो, तो वो वाली जगह हम ऐश पिट्स होती है. डैश पिट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मेसनरी लाइन पिट्स. ये मैंने आपको दिखा दिया, देखो पिट्स बनी हुई है रेक्टेंगुलर. द डेप्थ ऑफ द पिट इज अबाउट 0.76 मीटर टू 1.22 मीटर एंड इट्स लेंथ इज कैप्ट स्लाइटली मोर देन द लॉन्गेस्ट इंजन लाइकली टू यूज द ऐश पिट्स. तो वही है कि जोन से स्टेशन पर सबसे बड़ा लोकोमोटिव आता है तो उससे थोड़ी सी बड़ी हमारी ऐश पिट बनाई जाती है.
The ash pits are surrounded by longitudinal beams made either of timber, concrete or steel on which the track rails are fixed. तो मतलब ये किस पे बना सकते हैं, जैसे इधर तो दिख रहा है ये सारा स्टील से बनाया हुआ है, बीम पे स्टील पे बनाया हुआ है, इधर मेरे ख्याल से शायद ये कंक्रीट का है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एशेज कलेक्ट इन ऐश पिट्स शुड बी डिस्पोज ऑफ क्विकली, तो वो एशेज आपको डिस्पोज कर देनी है। द कंक्रीट फ्लोर्स ऑफ पिट्स आर स्लोप टू कंक्रीट सेंटर और टू वन साइड टू फॉर्म अ ड्रेन। तो ये देखो, अगर आप देखोगे, देखो ये ऐसे ना बना हुआ है, एक तरफ ही सारी इकट्ठी हो रही है ना, तो वो ये ऐसे थोड़ा सा ना एक स्लोप सी दी होती है। वॉट इज रिमूव फ्रॉम द पिट थ्रू अ सम्प एंड ड्रेन, दीज ऐश पिट्स आर फिल्ड विद वाटर। तो ऐश पिट्स भी वाटर के साथ थोड़ी फिल करी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऐश पैंस। अब ऐश पैंस क्या होते हैं, देखो, आर यूज फॉर द सेम पर्पज एज ऐश पिट्स। दे कंसिस्ट ऑफ यू शेड प्रीकास्ट रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन प्लेस साइड बाई साइड फॉर सपोर्टिंग द रेल्स ऑन देर टॉप एजेस। ऐश पैंस आर यूजली प्रोवाइडेड इन इंजन वाटरिंग स्टेशन। तो ऐश पैंस कुछ इस तरह होते हैं, छोटे से होते हैं वो, ठीक है ना। तो वो उसकी मुझे कोई इमेज मिल नहीं पाई, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा ज्यादा अच्छे से। तो ऐश पैंस आप सिर्फ इतना समझो कि ऐश पिट्स की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट आता है देखो हमारा एग्जामिनेशन पिट्स। तो एग्जामिनेशन पिट्स क्या होता है, देखो, आर सिमिलर टू ऐश पिट्स इन कंस्ट्रक्शन बट दीज पिट्स आर यूज्ड टू एग्जामिन द इंजन फ्रॉम अंडरनीथ। द एग्जामिनेशन पिट्स आर जनरली लॉन्गर देन ऐश पिट्स, दे आर प्रोवाइडेड इन द इंजन शेड्स टू इंस्पेक्ट द इंजन मैकेनिज्म फ्रॉम बिलो। तो देखो एग्जामिनेशन पिट्स पता क्या होता है, होता है इसकी तरह ही है, ऐश पिट्स की तरह ही, लेकिन वो ना एक शेड के अंदर होता है, तो शेड पे वो जाके अच्छे से ना नीचे से देख पाते हैं, तो वो चीजों को हम कहते हैं एग्जामिनेशन पिट्स। तो वो नीचे से ट्रेन को देखने के लिए हम एग्जामिनेशन पिट्स की यूज करते हैं। ड्रॉप पिट्स क्या होता है, देखो, आर मेंट टू रिमूव द व्हील्स ऑफ एन इंजन बाय लोअरिंग द व्हील्स इन द पिट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन पिट्स और रिमूवल्स। तो ये भी एग्जामिनेशन पिट का पिटी की तरह है, लेकिन बस थोड़ा सा ड्रॉप पिट्स पे आप व्हील्स रिमूव करते हो सिर्फ। दीज पिट्स आर कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स टू द ट्रैक एंड मोबाइल हाइड्रोलिक जैक इंस्टॉल्ड टू रिमूव व्हील्स एंड एक्सिस ऑफ द इंजन। तो ये है कि ये जो हमारे बने होते हैं राइट एंगल्स पर बने होते हैं ट्रैक के, जैसे ये समझो ये ऐसे ट्रैक है, तो राइट एंगल पर यहाँ से हाइड्रोलिक जैक से उठा के ट्रेन ऐसे रखी जाती है इस पे, और यहाँ से फिर हमारे टायर्स वगैरह चेंज होते हैं। तो ये था हमारे पूरे ऐश पिट्स, ऐश पैन, एग्जामिनेशन पिट्स एंड ड्रॉप पिट्स। देखो नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा लंबा निकल रही है वीडियो, पर पूरे अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो वाटर कॉलम्स, थोड़ा जल्दी जल्दी भी समझा रहा हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है, बहुत ही मैंने लेमैन इंग्लिश में लिखा हुआ और सारा करेक्ट है। अगर आपको एग्जाम वगैरह में ये यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं, कोई भी टीचर आपका गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है देखो हमारा वाटर कॉलम्स। तो वाटर कॉलम्स क्या होता है, देखो वाटर कॉलम्स आर प्रोवाइडेड फॉर फीडिंग द वाटर टू स्टीम लोकोमोटिव्स। तो स्टीम लोकोमोटिव्स के लिए प्रोवाइड करा जाता है ऐसा ये वाटर कॉलम है, ठीक है। देखो ऐसे स्टीम इंजन के लिए, ये देखो यहाँ से पानी भर रहा है, आपको पिक्चर जिन जिनकी मुझे पिक्चर्स मिल रही है मैंने वो प्लेस कर रखी है। दे आर प्रोवाइडेड एट इंटरमीडिएट स्टेशन बाय द साइड ऑफ मेन लाइन ट्रैक्स एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 48 किलोमीटर, ठीक है ना, 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उससे ज्यादा नहीं लगे होते ये। दे मे ऑल्सो भी इंस्टॉल्ड ऑन द ऐश पिट्स, ऐश पिट्स पर भी लग सकता है ये। एट इंपॉर्टेंट स्टेशन टू और मोर वाटर कॉलम्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो एक ही शेप, एक ही स्टेशन पर एक दो से तीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो बड़ा स्टेशन है। अब ये सारा इस पे लिखा हुआ है कि कैसे ये कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना, ये दे आर फिक्स्ड इन ग्राउंड इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड एल, अ वाटर कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल पाइप। तो ये सारा आप इस पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी निकल जाएगी। मुझे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन टाइप सी देनी है, ठीक है ना। वाटर कॉलम्स का मैंने आपको समझा दिया, ऐसे उसमें पानी डलता है, ये एल शेप की बनी होती है, ठीक है ना, तो उसमें सारा अच्छे से पानी आता है। ये फुट वॉल्व होता है, ठीक है ना, पानी रोकने के लिए। तो सारा अच्छे से आपको वाटर कॉलम समझ आ जाएगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न टेबल। मैंने आपको बताया ना टर्न टेबल भी हम पढ़ेंगे। देखो टर्न टेबल क्या होता है, टर्न टेबल इज यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोटिव। द यूज ऑफ टर्न टेबल इज मेड एट इंपॉर्टेंट स्टेशन वेयर अवेलेबल स्पेस इज लिमिटेड। तो जहाँ पे स्पेस कम होती है वो होता है, देखो टर्न टेबल ये होता है, देखो ये ऐसे पूरा टर्न टेबल ऐसे घूमता है ये, ठीक है ना, ऐसे पटरी हो गए, देखो वहां से तो एक या दो तीन पटरी आ रही है, लेकिन यहाँ से कितनी निकल रही है ना, तो ऐसे ये निकल रही है। जैसे हमने सबसे पहले वाले इसमें पढ़ा था, दिखाता हूँ आपको, देखो ये टर्न टेबल है, ये वाला, ये मैंने तभी थोड़ा क्रॉप करके रखा था, ये देखो टर्न टेबल है। तो ऐसे ऐसे इतने इतने में लोकोमोटिव जा सकते हैं, तो इस चीज के लिए हमारा टर्न टेबल यूज होता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, देखो टर्न टेबल इज अ कॉस्टली इंस्टॉलेशन, थोड़ा कॉस्टलियर है ये। द टर्न टेबल कंसिस्ट ऑफ अ ट्रैक ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इन टर्न इज सपोर्टेड ऑन पेयर ऑफ गर्डर्स, ठीक है ना, गर्डर्स पर होता है ये ऐसे, ये देखो गर्डर्स लगे हुए हैं ऐसे, एक गर्डर्स पर होता है सिचुएटेड। दिस सर्कुलर प्लेटफॉर्म और टर्न टेबल इंस्टॉल्ड ऑन इन अ सर्कुलर पिट। तो सर्कुलर पिट मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है, तो सर्कुलर पिट पे यूज होता है मोस्टली। टू और मोर ट्रैक्स रेडिएट फ्रॉम द सर्कुलर एज ऑफ द पिट, दीज रेडिएटिंग ट्रैक्स एंड ट्रैक लेड ऑन द टर्न टेबल आर कैप्ट एट द सेम लेवल, तो सेम लेवल पे होना चाहिए। लॉकिंग बोल्ड्स आर प्रोवाइडेड फॉर रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ टर्न टेबल। तो ये थोड़ा सा इसका ब्लू प्रिंट टाइप्स है, और ये आपको भी रियल, अगर आपको रियल इमेज देखनी है तो ये कुछ इस तरह दिखेगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप अलग अलग ट्रैक्स पर भेज सकते हो, और सेम लेवल पर होते हैं। नेक्स्ट आता है देखो हमारा ट्रावर्सर। अब ट्रावर्सर देखो क्या है,
This is a device used to transfer the wagons or locomotives one at a time to and from parallel tracks without any necessity of shunting. ये बहुत ही अच्छी सी चीज है, ये बहुत अच्छा mechanism है, देखना आप. A traverse is always preferred to a turnout, crossover or any junction where the space available is limited as in case of workshops. ठीक है ना, workshops पर या फिर आपका preferred होता है turnout पर या फिर crossover या फिर कोई junction पर. A traverse consists of platform mounted on small wheels or rollers which runs on rails and is laid at right angles to the track. तो right angle पे होता है track के. When any vehicle is to be transferred, it is placed on the traverse and traverse is moved sideways. This movement of the traverse is done to adjust the vehicle position line with the track is desired. देखो आपको मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ क्या होता है. देखो ये ना हमारे traverse के rollers है, ठीक है. तो ये जैसे समझो, मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसी पटरी है, ठीक है. यहाँ पे एक ट्रेन आई, ठीक है. यहाँ पे हमने उसके ऊपर खड़ी ऐसे खड़ी है, ठीक है. एक ट्रावर्सर आएगा, हमें अगर उसको शंट करवाना है, ठीक है ना, अगर हमने उसको दूसरे ट्रैक पर लेके आना है, तो जैसे रोलर्स लगे हुए ना, तो ऐसे ही ट्रावर्सर में एक प्लेट टाइप से आएगी, उसके नीचे टायर से लगे होते हैं, ठीक है. एक इधर लगाएगा, एक इधर ऐसे टायर से लगे, ये वाली प्लेट ना इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे. तो देखो ये ऐसे ऊपर आ गई ना पूरा, ये देखो ये पूरा, ये सारे इसके पैरेलल ट्रैक्स है नीचे वाले, ठीक है. तो इसके ऊपर आएगी वो, इसके ऊपर ट्रेन इसके ऊपर आ जाएगी और फिर इसको हम दोबारा से वापस खींच लेंगे, तो इससे हमारी शंटिंग हो जाएगी. जैसे इस ट्रैक पर ट्रेन है तो वो इस पे भी लेके आ सकते हैं, हम इस पे भी लेके आ सकते हैं, इस ट्रैक पर है तो इन दोनों पे भी लेके आ सकते हैं. तो इस चीज के लिए हमारा ट्रावर्सर यूज होता है. बहुत ही मतलब आजकल नहीं यूज होता, अगर आपको नहीं दिखेगा वैसे, पर ये है एक इक्विपमेंट इन स्टेशन यार्ड. नेक्स्ट आता है देखो हमारा स्कॉच ब्लॉक्स. ये थोड़ा सा ना अजीब सा स्कॉच ब्लॉक्स, ठीक है ना, ये आप ध्यान से पढ़ना. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू सेपरेट ऑल द साइडिंग एंड शंटिंग लाइन फ्रॉम थ्रू रनिंग लाइन, ठीक है. द सेपरेशन ऑफ साइडिंग प्रोवाइडेड बाई डिरेलिंग ऑफ स्टेशन नोन एज स्कॉच ब्लॉक्स. तो मतलब कि ये हमारे शंटिंग में हेल्प करता है, शंटिंग लाइन और साइडिंग्स को अलग अलग करने के लिए हमारे स्कॉच ब्लॉक यूज होते हैं. स्कॉच ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ वुड विच इज प्लेस, जैसे वुड का भी हो सकता है या फिर आजकल तो स्टील वगैरह का यूज होता है, प्लास्टिक वगैरह के, तो वो अलग है. विच इज प्लेस्ड ऑन द रेल एंड हेल्ड इन पोजिशन प्रॉपरली. दिस स्कॉच ब्लॉक फॉर्म्स एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द व्हीकल टू मूव बियॉन्ड डेड एंड ऑफ द साइडिंग, ठीक है ना. जो हमारी साइडिंग है तो उससे आगे नहीं जाने देता है स्कॉच ब्लॉक, ठीक है ना. जब हमारे एक नॉर्मल ऐसे ट्रैक है, ठीक है, अब यहाँ से साइडिंग है, ऐसे निकलता है साइडिंग, तो ये उस तरफ ज्यादा आगे तक डेड एंड तक नहीं जाने देगा. जैसे ये डेड एंड है तो यहाँ यहीं पे रोक लेगा ये, तो उसे हम स्कॉच ब्लॉक्स कह देते हैं. When the siding is allowed to be used by vehicle, this block is loosened to fall on one side of the rail. This type of block was used in the past, but now has been replaced by derailing switch. So derailing switch भी हम आगे पढ़ेंगे. वैसे scotch blocks आजकल नहीं use होते, फिर भी अगर आपको देखना है तो इस तरह होते हैं. देखो scotch block कैसे, देखो ये open है, यहाँ से train का tire जा सकता है ना. जैसे close करा तो देखो यहाँ पे train का tire आएगा और यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, तो रुक जाएगी train, ठीक है, तो derail नहीं होने देती, मतलब कि आगे जाने नहीं देगी, ठीक है ना. तो ये था हमारा पूरा scotch block. अब आएगा हमारा डिरेलिंग स्विच या फिर ट्रैप स्विचेस. अब आपको समझ आएगा क्या होता है. देखो द पर्पस ऑफ अ डिरेलिंग स्विच और ट्रैप स्विच इज सेम एज दैट ऑफ स्कॉच ब्लॉक. हमने उसका एडवांस मॉडल लिया ये. दिस इज मॉडिफिकेशन ओवर ओल्ड ब्लॉक्स अरेंजमेंट एंड इज कॉमन इन मॉडर्न प्रैक्टिस. जो मॉडर्न प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज होता है. आइसोलेशन ऑफ साइडिंग फ्रॉम मेन लाइन इज डन बाय मींस ऑफ ट्रैप स्विचेस और डिरेलिंग स्विचेस. अ डिरेलिंग स्विच कंसिस्ट ऑफ अ हाफ ऑफ सेट ऑफ स्विचेस दैट इज वन टंग रेल ओनली व्हिच नॉर्मली रिमेन्स ओपन. देखो अगर मैं आपको ये अच्छे से समझाऊं, देखो आपको दिख रहा है, देखो ये ऐसे हमारे डिरेलिंग स्विच ऐसे लगाता है, ठीक है. ये स्विच है, ये लीवर भी कह लो स्विच, मतलब ऐसे इस पूरे मैकेनिज्म स्विच कहते हैं, ठीक है. ये क्या करता है, ये ना ऐसे ये चीज को ऐसे जोड़ देगा इधर से और ये इधर से, ऐसे ट्रेन को ऐसे, जब ये पटरियां जुड़ जाएंगी तो ट्रेन आएगी और इधर चली आएगी, ठीक है. तो यहाँ पे आके ऐसे ट्रेन यहाँ कहीं रुक जाएगी, ठीक है, अगर रोकनी है तो. अगर तो सीधी जानी है तो फिर हम इसको ओपन ही ऐसे रखेंगे जैसे अभी पड़ा है, ठीक है. अगर जब इसको ट्रेन को इधर भेजना है तो हम इसको ऑन कर देंगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये पूरा ऐसे लग जाएगा और ये वाला ऐसे. तो उसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिरेलिंग बोल देते हैं या फिर शंटिंग भी बोल देते हैं हम इस प्रोसेस को. सो इफ अ व्हीकल वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द साइडिंग इट विल डिरेलेट एट डिरेलिंग स्विच. तो वही है कि ये आगे से ऐसे छूट जाएगी. बट व्हेन अ व्हीकल इज टू बी टेकन आउट ऑफ द साइडिंग दिस ओपनिंग एट डिरेलिंग स्विच मस्ट बी क्लोज. तो यही है कि अगर इसको हमने यहाँ से अब ट्रेन वापस लेके आनी है तो ये स्विच क्लोज होना चाहिए, ठीक है. ओपन हुआ तो ये बाहर आ जाएगी डिरेल, मतलब बाहर निकल जाएगी ट्रेन पटरी से, ठीक है ना. तो अगर आपको जब वापस लेके आनी है ट्रैक पर तो फिर भी ये क्लोज होने चाहिए. तो ये लास्ट लाइन पे लिखा हो, बट व्हेन अ व्हीकल इज टू बी टेकन आउट ऑफ द साइडिंग दिस ओपनिंग एट डिरेलिंग स्विच मस्ट बी क्लोज. तो ये जो ओपन हुआ हुआ है ये क्लोज होना चाहिए. और अगला आता हमारे देखो फॉलिंग मार्क्स. ये थोड़ा सा अच्छा है. फॉलिंग मार्क हमारा क्या होता है, देखो फॉलिंग मार्क्स आर द पॉइंट्स फिक्स्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ कन्वर्जिंग ट्रैक्स. कन्वर्जिंग ट्रैक्स कौन से होते हैं, जो ऐसे कन्वर्ज होते हैं या फिर डाइवर्ज होते हैं, दोनों तरफ होते हैं. टू इंडिकेट अ फाउल और पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ व्हीकल्स बियॉन्ड दिस पॉइंट्स. कैसे, मैं बताता हूँ. देखो ऐसे समझो एक ही टर्न आउट है, ठीक है ना. तो ऐसे समझो एक ट्रेन इधर से आ रही है,
एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, तो मतलब कि समझो दोनों ट्रेन आसपास ही है, तो ये ने फॉलिंग मार्क हमें ये बताता है कि भाई टर्न आउट आने वाला है, शायद उधर से ट्रेन आ सकती है, ये नहीं मैं कह रहा कि ट्रेन हमेशा होगी, आ सकती है, तो कहेगा कि यहाँ पे जब भी वो देखेगा ऐसे फॉलिंग मार्क देखेगा तो उसको पता लग जाएगा भाई मुझे इस स्पीड पे आना है, ठीक है, अगर समझो वो 100 की स्पीड पर है, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा मार्क देखते सारे कि भाई मुझे 20 पर आना है या फिर 50 पर आना है, ठीक है ना, तो वो फॉलोइंग मार्क देखने पे आता है, ठीक है, आप पढ़ोगे देखो जनरली साइड कोलिजन आर पॉसिबल ऑन द टर्न आउट पोजीशन, तो साइड कोलिजन इसी पर हो सकती है, ठीक है, ट्रेन ये ऐसे आएगी ये कैसे आएगी, जाना एक ही ट्रैक पर है, ठीक है ना, लेकिन आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, आगे पीछे करनी पड़ती है ताकि दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर आ जाए, तो कैसे दिखते हैं मार्क कुछ इस तरह, ये देखो इधर भी लगा हुआ फॉलिंग मार्क, ठीक है, तो ये पीछे से देखो ऐसे कर्व हो रही है ना, तो ये है इधर से ऐसे आएगी ट्रेन, ठीक है ना, दोनों तरफ लिखा होता है, देखो इधर से ऐसे ट्रेन आएगी और इधर से, तो उसको दूर से दिख जाएगा कि भाई फॉलिंग मार्क लगा हुआ, मतलब कि मुझे स्पीड एक मेंटेन करनी है, तो वो चीज को हम बोलते हैं फॉलिंग मार्क, और ये हमारे इक्विपमेंट ही है स्टेशन यार्ड का, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आ गया। अब आता है हमारा बफर स्टॉप, मैंने कहा था ना आपको हम समझेंगे बफर स्टॉप क्या होता है, बफर स्टॉप देखो आपको समझाने से पहले मैं आपको सिंपल बताऊं कुछ इस तरह होता है, बस एंड पे लगा होता है, ठीक है, रेल पे, ये थोड़ी छोटी पटरी है तो देखो मतलब एक ही जगह पे छोटा सा है तो ये छोटा सा बफर स्टॉप है, ठीक है ना, तो वैसे अगर कोई बड़ी साइड होती है जैसे मुंबई साइड पे जैसे ट्रेन वहां पे लगती है ना, तो बफर स्टॉप बहुत बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है ना, तो बफर स्टॉप हम पढ़ भी लेते हैं क्या होता है, देखो यूजली द डेड एंड ऑफ अ साइडिंग और द एंड ऑफ एनी ट्रैक ऑफ टर्मिनल स्टेशन इज नॉट कैप्ट बेयर बट अ फॉर्म ऑफ स्टॉप और बैरियर इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ट्रैक, तो वही है कि बेयर नहीं रखते, मतलब खाली नहीं रखते, उन्हें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है जो कि हम बोलते हैं उसे बफर स्टॉप, तो अलग अलग तरीके से होते हैं, देखो कुछ ये ऐसे भी लगा हुआ है कि ये पीछे लकड़ ऐसे लगे हुए है, एक ऐसे लगा हुआ है, सारे अलग अलग तरह के बफर स्टॉप होते हैं अलग अलग एनवायरमेंट के लिए। Sometimes buffer stops are made with sleepers in the form of a box and earth filling is done inside the box. These buffer beams are fixed at the level of buffers of the vehicle. The beams and vertical posts are strengthened by struts. So struts से अच्छे से ऐसे होता है, देखो ये ऐसे बनाया हुआ है अच्छे से होता है, ठीक है, ये सारे हमारे लेवल पे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखो लेवल ऑफ बफर्स ऑफ द व्हीकल, तो जो व्हीकल्स के आगे वो ऐसे गोले से नहीं बने होते इंजन लोकोमोटिव के आगे, ठीक है ना, तो वो उसी के लिए बने होते हैं, ठीक है, वो यहीं पे आके ऐसे लग जाते हैं, तो ये था हमारा पूरा बफर स्टॉप। तो आज का हमारा लास्ट इक्विपमेंट क्या है, सैंड हम्प, तो सैंड हम्प भी एक तरह का बफर स्टॉप की तरह है, बस बफर स्टॉप से थोड़ा पहला यूज होता है, ये देखो दिस इज ऑल्सो मेथड टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम रनिंग ऑफ द ट्रैक एट द एंड ऑफ अ साइडिंग, तो वही है कि ये भी हेल्प करता है लेकिन साइडिंग पर हेल्प करता है, ठीक है ना, मेन लाइन में नहीं, थोड़ा साइडिंग पे यूज होता है। दिस इज सुटेबल फॉर लेवल ग्राउंड, इन दिस मेथड अ हम्प ऑफ सैंड विद अ राइजिंग ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रेडियंट देखो क्या होता है, जैसे भी एक पटरी वगैरह पे होता है ना ग्रेडियंट, हम वैसे नॉर्मल ग्रेडियंट बोले तो एक राइज होता है, ठीक है ना, राइज इन लेवल होता है, वही है देखो विद राइजिंग ग्रेडियंट एट द डेड एंड ऑफ अ साइडिंग इज प्रोवाइडेड, अ व्हीकल कम्स टू अ स्टॉप एट द डेड एंड बिकॉज ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ सैंड हम्प, अ बफर स्टॉप इज प्रोवाइडेड एट द डेड एंड, तो वही है कि देखो कुछ ऐसा, देखो ये हमारा लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हमने बफर स्टॉप दे दिया, ठीक है, ऐसे बफर स्टॉप ऐसे दे दिया, सैंड हम्प सा दे दिया हमने, या सॉरी बफर स्टॉप बोल के मैं सैंड हम्प यहाँ हमने दे दिया, ये हमारा बफर स्टॉप तो है ही लगा हुआ है, ठीक है, उससे पहले हमने सैंड हम्प दे दिया 45 मीटर से पहले, 45 मीटर का हमने सैंड हम्प ये दे दिया, तो ये हमारा राइजिंग ग्रेडियंट, तो यहाँ पे ट्रेन स्लो हो ही जाएगी अगर यहाँ तक पहुंची है, यहाँ पे नहीं भी पहुंची तो हमने बफर स्टॉप तो लगाया हुआ है जो कि रोक देगा। तो ये था हमारे पूरे इक्विपमेंट्स ऑफ स्टेशन यार्ड्स, जो कि हमारे स्टेशन यार्ड्स पे बहुत यूज होते हैं, बहुत से एक्सीडेंट्स वगैरह हैं इनसे बच जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर मेरी कोई गलती हुई समझाने में या कुछ नहीं तो आपको ज्यादा पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।